अध्यक्ष महोदय, भारत और मालदीव के संबंध इतिहास से भी पुराने हैं। अनादि काल से सागर की लहरें हम दोनों देशों के तटों को पखार रही हैं। ये लहरें हमारे लोगों के बीच मित्रता का संदेश वाहक रही है। हमारी सभ्यता और संस्कृति इन तरंगों की शक्ति लेकर फली फूली है। हमारे रिश्तों को सागर की गहराई और विस्तार का आशीर्वाद मिला है। विश्व के सबसे पुराने बंदरगाहों में से एक लोथल मेरे होम स्टेट गुजरात में था। 2500 साल से भी पहले लोथल और बाद के समय में सूरत जैसे शहरों के साथ मालदीव के व्यापारिक संबंध रहे। मालदीव की कौड़ियां भारत के बच्चों तक ही की प्रिय रही है। संगीत, वाद्य यंत्र, रस्म और रिवाज, ये सब हमारी साझा विरासत के ज्वलंत उदाहरण। दिवेही भाषा को लें, वीक को भारत में हफ्ता कहते हैं। दिवेही में भी दिनों के नाम देखें, संडे इज आदि था इन दिवेही। यह आदित्य यानी सूरत से जुड़ा है। सोमवार यानी मंडे, दिवेही में होमा जो सोम से यानी चंद्रमा से समानता रखता है। और वर्ल्ड को दिवेही में कहते हैं धुनिये, और भारत में दुनिया, और मालदीव में दुनिया एक प्रसिद्ध नाम भी है। दुनिया की तो बात ही क्या, भाषा की यह समानता यहां से परे स्वर्ग और नरक तक भी फैली हुई है। इनके लिए दिवेही में सुवरुगे और नर का शब्द है। लिस्ट बहुत लंबी है, बोलता गया तो पूरा शब्द कोश बन जाएगा, लेकिन संक्षेप में कहूं तो हर कदम पर साफ है कि हम एक ही गुलशन के फूल हैं। इसलिए मालदीव की सांस्कृतिक धरोहर के संवर्धन, मैन्युस्क्रिप्ट के संरक्षण और दिवेही भाषा के शब्दकोश के विकास जैसे प्रोजेक्ट्स में मालदीव को सहयोग देना हमारे लिए बहुत महत्व रखते हैं। और इसलिए फ्राइडे मॉस के कंजर्वेशन में भारत के सहयोग की घोषणा करते हुए आज मुझे बेहद खुशी हुई। कोरल से बनी इस ऐतिहासिक मस्जिद जैसी दूसरी मालदीव के बाहर दुनिया में कहीं नहीं। मालदीव के निवासियों ने सैकड़ों साल पहले समुद्र की नेमत के मस्जिद के अद्वितीय आर्किटेक्चर की रचना की। इसे प्रकृति के प्रति उनके सम्मान और सामंजस्य का पता चलता है। खेद का विषय है कि आज सामुद्रिक संपदा पर प्रदूषण के बादल छा रहे। ऐसे में इस विलक्षण मस्जिद का कंजर्वेशन इतिहास ही नहीं, हमारे पर्यावरण के संरक्षण का संदेश विश्व को देगा।